करके सुन लो हमारे अंग दान करके जिंदगी बदलते हैं हम नर्मदा किडनी फाउंडेशन नर्मदा किडनी फाउंडेशन। कुछ स्पोर्ट्स खेल रहा था तो मुझे बहुत वीकनेस महसूस हुआ, तो मुझे ऐसा लगा क्या मतलब इतना वीक क्यों हूँ करके, और कुछ दिन बाद उल्टियाँ होने लगे। कुछ दिन बाद उल्टियाँ जब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया चेकअप के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टरों ने मेरा कुछ रिपोर्ट्स निकाला और बताया कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपको एक किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर मैं डॉक्टर भरत शाह सर को मिला, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रीट किया, गाइड किया, और फिर हमारी वाइफ ने मुझे किडनी डोनेट किया, और आज की तारीख में हमारी वाइफ एकदम फिट हैं, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा घर का काम देखते हैं, और मैं टाइम्स नाउ में एज ए ब्रॉडकास्ट इंजीनियर काम करता हूं और पूरे 8 घंटे की पूरी ड्यूटी रोज करता हूं। एक बार तो इंसान इमोशनली पूरी लाइफ क्रैश जैसे महसूस होती, लगता है कि दुनिया भी यहीं पे ख़त्म हो गई, पूरी लाइफ का अभी यहीं पे आके सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। बट जैसा कि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, हमारे डॉक्टर भरत शाह सर, डॉक्टर प्रशांत सर से मिलने के बाद ही मुझे यह लगा कि नहीं, अभी तो सब कुछ बाकी है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ट्रांसप्लांट करेंगे और लाइफ फिर से तुम्हारी पहले के जैसे हो जाएगी, तो तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने और भी पेशेंटों से बात की डॉक्टर के यहाँ, तो उन लोगों को देख के मुझे उत्साह आ गया कि अगर ये लोग सही हो सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी सही हो सकता हूँ। मेरी वाइफ बहुत ही ब्रेव है, आई सैल्यूट हर, बिकॉज उसने जब इंटरव्यू हो रहा था किडनी डोनेशन का, तो उस दौरान जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपकी जान भी जा सकती है, आप जानती हैं किडनी डोनेट करना क्या होता, उसने वेरी ब्रेवली आंसर किया था कि मेरी अगर जान चली जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर यही नहीं रहेंगे तो मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो फिर मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे हैंडल करूँगी लाइफ को। तो उन्होंने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से इस बुरे समय में मेरा साथ दिया, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका जीवन मेरी वजह से कभी तकलीफ में ना आए और वो पूरा जीवन खुशमय रहें।